अब ये मेरा दोस्त हो चुका है। तो आज हम निकल चुका है नमसाई से कहीं दूर, कहाँ जाएगा हमको कुछ खबर नहीं है, तो डेस्टिनेशन अभी तक सेट नहीं किया है कहाँ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको भी लेके चलते हैं नई जगह पर। तो अभी हम दिगारू घाट पे हैं, तो मेरा चक्का जो था वो शायद पंचर है, उसको बनाने के लिए ये तो रास्ता में तकलीफ लगेगा, इसका पंचर धुन धुन के मिला ही है। तो हम अभी जो दिगारू है वहाँ में एक ही टायर दुकान है जो कि ये भैया का है छोटा, तो यहाँ पे बना रहा है वो आपका नमसाई चौखाम से लेके यहाँ तक कोई टायर दुकान नहीं है बीच में, तो ये एक टायर दुकान है आपका दिगारू, दिगारू जो चारा ली है उसी में है ये। तो टायर बन के हो चुका है, तो हम लोग निकल जाता है अभी, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा पता ही नहीं है अभी। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं आगे। तो अभी हम दम्बुक पार्क करके थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका है, एक अच्छा जगह देखा है, तो उसके लिए हम ऊपर जाके देखेगा सोचा, तो ऊपर थोड़ा ऊपर है, चढ़ने का कोशिश कर रहा है। थक गया, चढ़ चढ़ गया। तो ये ऊपर हम लोग चढ़ चुका है, ऊपर है था, थक भी गया। तो उस साइड में आपका ब्रह्मपुत्र एटेच होता है, उस साइड में आपका दम्बू, और ये साइड में आपका पसीघाट, जहाँ से लगभग आपका एक घंटा लगेगा पसीघाट के लिए। ये बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ से ऊपर से, अब ये नीचे देख सकते हैं। अरे बाबा ये तो खाई है नीचे में, थोड़ा इसको संभाल कर खाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकलते हैं नीचे, क्योंकि अभी जगह भी ढूंढना है, क्योंकि जगह तो हम लोग को मिला ही नहीं, हमको आज बैठने के लिए जगह तो चाहिए। थोड़ा नीचे है, थोड़ा डर लग तो लगता है नीचे में पहाड़ से। अरे बाबा संभाल के जाना, ना फिर गिरी पोते आराम के। शाम भी हो चुका है, तो बैठने के लिए जगह चाहिए, तो आगे दिखता है कुछ मिलेगा क्या बैठने के लिए, उसके बाद बस अपना बैठने का सुविधा कर लेता है। तो चलिए दोस्तों मिलता है फिर, शायद लास्ट होगा क्या मालूम नहीं, ढूंढ लेता आगे। चलिए तो हमको बैठने के लिए जगह मिल चुका है अभी, तो हम एक्चुअली दम्बुक पार हो गए थे, तो दम्बुक पार हो गए हम सोचा सिलुक में कोई रिसोर्ट होगा बैठने के लिए, लेकिन वहाँ पर नहीं था। आपको अगर टेंट भी मिलता है तो यह हमें टेंट में बैठ सकता है, यहाँ में बहुत सारा टेंट है, लेकिन हमको तो आदत नहीं है भाई टेंट में बैठने का, इतना ठंडा है कहाँ से टेंट में बैठेगा। तो ये आपका बिल्डिंग कॉटेज है, सब बहुत सुंदर है जगह जो, तो यहाँ से आपका पूरा ब्रह्मपुत्र का जो हमने बोला था आपको वो साइड में पूरा दिखाई देता है यहाँ से नज़ारा। तो ये आपका जो रिसोर्ट है कोने रिसोर्ट है, दम्बुक पार करके ही है ये रिसोर्ट, राइट साइड में दम्बुक से जब आएगा तो राइट साइड में ये मिलेगा। ये रूम है, ये आज मेरा बैठने के लिए रूम है, देखिए लाइट भी नहीं है, बोला लाइट तो लोग थोड़ा सा बाद में देगा बोला, तो अंधेरा है जगह जो बढ़िया है, इसमें बेड है। तो अभी हम बहुत भूख लग रहा है, तो हम आई लव चिकन एंड पॉर्क, तो हमने चिकन और पॉर्क का और फ्रेंड्स फ्राई बोलते हैं कि मान लीजिए आलू का जो लट्टी होता है उसको मंगाया, थोड़ा खा लेगा उसके बाद ही थोड़ा रेस्ट करके आराम से आज शांति से सोएगा। ये रिसोर्ट में हमको एक दोस्त मिल गया पिछड़ा। अरे कल्लू कुत्तू पुत्तू चुट्टू कितना प्यारा है तू, मेरा ये आलू का क्या फ्रेंड्स क्या बोलता है मालूम नहीं, हम तो मालूम नहीं इसको, आलू का जो लाठी है उसको तेल में डाल के जो बनाता है वही लेके आया, फ्रेंच फ्राइज कुछ बोलता है, बहुत टेस्टी है। तो अभी हम फिर चिकन भी मंगाया है, चिकन खाने के लिए बहुत भूख लगी है, क्योंकि दिन में हम सिर्फ फ्राइड राइस खा के आया था, तो अभी इससे स्टार्ट किया अभी खाने के लिए। ये चिकन आ चुका है कोने रिजोर्ट का, देखने में बहुत टेस्टी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है, अच्छा बनाता है यहाँ का, बहुत भूख लग चुका है, अभी खाना खा लेगा, खाना
प्लस पॉर्क, ये दाल, ये आलू भाजी और ये नमक मिर्चा नींबू सब दिया हुआ है और ये राजमा है। खाना तो भाई बड़ा टेस्ट है, चलो खा लेते हैं हम। अभी खा पी के हो गया मेरा, तो मेरा अभी मी टाइम का वक्त है, तो मिलते हैं गाइस कल सुबह। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुका है, आज बहुत लेट हो चुका है मेरा, बहुत आराम से सो रहा हूँ यहाँ पे। एक और आपको मैं एक दोस्त बना रहा था, मेरा दोस्त आ चुका है। अब ये मेरा दोस्त हो चुका है। अच्छा 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 ये सब आपका ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली हम तो घर में खाना ही खाता है, लेकिन अभी क्या करेगा, अभी बाहर आया तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा के देखेगा। अंडा आपका या में अंडा है, ये शायद राजमा का है, और ये आपका सब्जी मटर सब्जी, ये चाय तो ऑलरेडी मेरा बस्ता, चाय तो पीना ही है हमको सुबह सुबह, और ये आपका पूरी। तो कल शाम हो गया था मेरा पहुँचते, तो हमको रास्ता में नज़र नहीं आया था यहाँ में क्या क्या है। और यहाँ पे सारा ऑरेंज के पेड़ ही है। आपका ये रिसोर्ट है केनो रिसोर्ट, ये ऊपर में, उसके बाद आपका ऑरेंज के पेड़ के सामने अगर आप बैठने दिले तो वहाँ पे है टेंट लगाया हुआ है, वो लोग उधर भी ऑलरेडी टेंट है। तो ये सारा जो बगान है सारा ऑरेंज के पेड़ है, वो पहाड़ का ऊपर तक ऑरेंज का पेड़ गया हुआ है। लोग यहाँ में अनारस का भी कुछ बगान लगाया हुआ है, ये देखिए वहाँ आपको बताया था हम, वहाँ में पूरा नदी है। प्राइस है इसका आपका 4500 करके लगेगा, और वो टेंट का पर पर्सन का आपका 1000 रुपये करके लगेगा। ये देख सकते हैं यह मेरा टेंट है, ये आपका ऑरेंज का पेड़ का नीचे में। हम बोला था कि इसका पर पर्सन का आपका 1000 करके है, अगर यह में आना है तो आपको टेंट के लिए 1000 देना पड़ेगा और रूम के लिए 4500 देना पड़ेगा। और ये सारा आपका ऑरेंज का पेड़ है। ओ भाई ऑरेंज तो बहुत पास में है, एक तो ले ही लेता है। हम एक तो ऑरेंज ले लिया यहाँ का यादगार के लिए, पहले घर में जाके खाएगा इसको। ये ऑरेंज को तो एक मिल गया, ये इतना पास में भाई, इसको भी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, चलो ले ही जाता है इसको भी। और एक जमा कर लिया हम, दो टू है यहाँ पे, और नीचे भी गिरा हुआ है लेकिन सड़ गया ये सब। और एक दो टू ले के जाएगा आपका, ये हम पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा ये तो पास में देख रहे हैं कोई ऑरेंज पास में है क्या। ओके ये छोटा वाला मिला है, इसको भी लेके जाएगा। तो एक ग्लास एक ट्राई करके देखता, एक मिला ऑरेंज, इसको भी लेके जाएगा। टोटल मेरे पास चार कुछ हो गया ऑरेंज, ये पॉकेट में भर्ती करके रखा हुआ है। तो आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, अगर ना पसंद आए फिर भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।